फोर्ड कंपनी भारत में कार निर्माण बंद करने वाली है। फोर्ड का मानना है कि पिछले 10 सालों में भारत में उनका $2 अरब से अधिक घाटा हुआ है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप छाया D4C में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी, जो कि एक अमेरिकन मोटर कंपनी है, वह भारत में कार बनाना बंद कर देगी। कंपनी देश में अपने दोनों संयंत्रों को बंद करेगी, जिसमें एक चेन्नई तमिलनाडु में है और दूसरा साड़न गुजरात में है। फोर्ड ने इन दोनों संयंत्रों में लगभग $2.5 अरब का निवेश किया है। कंपनी इन संयंत्रों से उत्पादित इकोस्पोर्ट, फिगो और एस्पायर जैसे वाहनों की बिक्री बंद कर देगी। फोर्ड ने बताया कि वह भारतीय बाजार से अब बाहर निकलेगी। फोर्ड ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इसे जारी रखना उनके लिए लाभदायक नहीं है। फोर्ड कंपनी भारतीय बाजार में लंबे समय से संघर्षों के दौर से गुजर रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। अमेरिकी वाहन निर्माता देश में अपनी कुछ कारों का आयात कर बिक्री जारी रखेगा, साथ ही मौजूदा ग्राहकों को सेवा देने के लिए डीलरों को भी सहायता प्रदान करेगी। हालांकि अभी कंपनी ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। फोर्ड भारत में उत्पादन बंद करने वाली नवीनतम कार निर्माता कंपनी है। फोर्ड इंडिया के पास सालाना 6,10,000 इंजन और 4,40,000 वाहनों की स्थापित विनिर्माण क्षमता है। इसमें फिगो, एस्पायर और इको स्पोर्ट जैसे अपने मॉडलों को दुनिया भर के 70 से अधिक बाज़ारों में निर्यात किया। इस साल जनवरी में फोर्ड मोटर कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने पहले घोषित ऑटोमोटिव संयुक्त उद्यम को खत्म करने का फैसला किया था और इसके बजाय भारत में स्वतंत्र संचालन जारी रखने का फैसला किया था। वहीं अक्टूबर 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फोर्ड की भारतीय इकाई पर अपना पूरा नियंत्रण हासिल करने की घोषणा की थी। नई इकाई को बाजार का विकास करना था और भारत में फोर्ड ब्रांड के वाहनों को वितरित करना था। जनरल मोटर्स के बाद भारत में प्लांट बंद करने वाली फोर्ड दूसरी अमेरिकी ऑटो कंपनी है। 2 दशकों से अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद 2017 में जनरल मोटर्स ने घोषणा की कि वह भारत में वाहनों की बिक्री बंद कर देगी। कंपनी ने गुजरात में अपना होलोल संयंत्र MT मोटर्स को बेच दिया, जबकि निर्यात के लिए महाराष्ट्र में अपने तालेगांव संयंत्र को चलाना जारी रखा, लेकिन पिछले दिसंबर में वहाँ उत्पादन बंद कर दिया। फोर्ड कंपनी के इस फैसले से लगभग 4,000 से अधिक कर्मचारियों पर असर पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल दीप छाया D4C को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।